के सामने रख रहा हूं, दिख रहा है आपको। इफ एन एंगल इज 5 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आपके समक्ष है। यानी यदि कोई कोण इसके पूरक कोण से 5 गुना है तो कोण ज्ञात करो। बड़ा आसान सवाल है, तो देखते हैं आपका क्या आंसर मिलता है। जवाब आपके सामने है। तो कोई कोण इसके पूरक कोण से 5 गुना है, तो सबसे पहले आप ये समझें कि आखिरकार ये पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। तो पहले इनको बता देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो अगर मैं बात करता हूं पूरक कोण के बारे में या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, तो ऐसे दो कोण जिनका टोटल हमेशा 90 डिग्री यानी एक समकोण के बराबर होता है, उसी को आप कहते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सप्लीमेंट्री की, तो दो कोणों का टोटल अगर दो समकोण के बराबर, टू राइट एंगल्स के बराबर यानी 180 के बराबर हो जाए, तो उनको बोलते हैं संपूरक। अब ऐसे सवाल करने के लिए अब एक्स वाई जेड पता नहीं क्या क्या मानते हैं, लेकिन आपको एक्स वाई जेड नहीं मानना है। बहुत सिंपल तरीके से सवाल समझिएगा। आपको सिंपल क्या समझना है, कोई एक कोण है, देखो मैं आपको बिल्कुल जादू तरीके से बताता हूं, कोई एक कोण है वो कितना है अपने पूरक कोण का, 5 गुना है, तो ये 5 गुना और हो गया। सिंपल, कोई कोण है वो अपने पूरक कोण का 5 गुना, तो मैंने 1:5 लिख दिया। अब सभी जानते हैं कि जब एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है तो वो तो 90 के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर है, 90 के बराबर। यानी आपको 90 को इसमें डिवाइड करना है, तो कितना हो गया, 5 और 1 6:6 किसके बराबर, 90 के बराबर। 1:1 किसके बराबर, वो किसके बराबर, तो 1:1 किसके बराबर हुआ, आपने कहा सर 1:1 बराबर हो गया 15 के बराबर। तो 1:1 का वैल्यू 15 नहीं, एक कोण 15 और दूसरा कोण 75 है। हो गया सवाल, कोई प्रॉब्लम, 1 15 दूसरा 75 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, एक बार में समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो उसने पूछा कौन अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना, तो उस कोण का वैल्यू क्या होगा, 75। क्लियर है, समझ में आ गया। जल्दी से लाइक शेयर करते रहो सेशन को, अगर अच्छा लगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ाओ और लोगों को बताओ कि सवाल बहुत ही बेहतरीन है जो आपको एग्जामिनेशन में मिलते रहते हैं। चलिए तो नए क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब यहां पर दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ये संपूरक है इसको, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं यानी संपूरक कोण हैं जो 7y+58 तथा 16y+53 है। तो आपको बताना है 19y का वैल्यू क्या है। यानी दो संपूरक कोण हैं जो 7y+58 और 16y+53 है, तो आपको 19y का वैल्यू बताना है, इनमें से क्या होगा, 38 डिग्री, 57 डिग्री, 76 डिग्री या फिर 95 डिग्री। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, तेजी के साथ आपका जवाब समझिएगा क्या मिलता है। तो हियर वी गो विद द क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। ओके, तो जवाब आपकी तरफ बढ़ता हुआ, सवाल का जवाब आपको देना है, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सभी लोगों को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखो सिंपल सवाल, अभी मैंने बताया कि अगर दो कोणों का टोटल कितना है, अगर दो कोणों का टोटल 180 डिग्री के बराबर होगा, तो आप मान लीजिएगा उन दोनों कोणों का मान वो सप्लीमेंट्री है। अगर दो कोणों को जोड़कर 180 आ जाए तो वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण कहा जाता है। क्लियर है, तो आपको दो कोण दिए हुए ये रहे, तो आप दोनों को जोड़ें, 7y+58+16y+53, इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, इनका होना चाहिए 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने क्या काम किया, देखो 16 और 7 23y+8 5 13 8 3 11 5 5 10 और 1 11 111, तो ये आपको मिल गया जो 180 के बराबर है। तो आपने 23y का जब वैल्यू फाइंड आउट किया, इट विल बी 180-111, यानी 23y=69, देन y=what, 69/23, that is 4, 3। तो y का वैल्यू आपको कितना मिला, 3। आपसे पूछा है 19y का वैल्यू क्या होगा, तो 19y का मतलब क्या हुआ, 19 में आप y का वैल्यू 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हुआ, 57। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आसान है ना, समझ में आ रहा है सब लोगों को। कोई ऐसा साथी मेरा जिसको समझ में ना आ रहा हो, मेरे हिसाब से तो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो बढ़ते हैं आगे और एक और सवाल देखते हैं, आपका नया सवाल क्या है। वेरी गुड,
एक आकृति आपके सामने दी गई है। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पेपर वन पेपर टू में पूछे जाते हैं, तो यहां पर देखते हैं क्या मिलता है आपका जवाब। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है। ओके, तो सवाल आपके सामने है, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखो बहुत ही आसान सवाल, इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं x माइनस वाई, यानी इस आकृति में आपको x और y का वैल्यू निकालना है, तो कैसे करें सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है। तो देखते हैं क्या मिलता है जवाब। तो देखो इन सवालों को करने का तरीका पहले समझ लीजिएगा, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट, या आप कहते हैं उन एंगल को, या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं या आप उनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये 35 डिग्री का कोण है तो ये भी 35 डिग्री का होगा, क्लियर है। और आप सभी जानते हैं कि जब ये 125 डिग्री का कोण आपके सामने बना दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये कितना है 125 का है, तो आप एक बात सोचने की कोशिश करें तो एक सीधी रेखा पर लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग कितना बनता है, 180 में से आप 125 घटा दो तो कितना मिलेगा, आपको मिला 55 डिग्री। तो ये वाला कोण 55 का है, क्लियर है। अब देखो ट्रायंगल मिला आपको, एक ट्रायंगल ना पी यू टी, पी यू टी देख रहे हैं ना आप, पी यू टी। तो पी यू टी में आपने क्या देखा, 55 और 35 यहां पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं ट्रायंगल के कोण की बात करूं तो ट्रायंगल के सभी अंतः कोणों का 180 होता है, तो 180 में से मैं 35 और 55 का जोड़ के घटाता हूं तो 90, इसमें से माइनस माइनस कर दिया तो ये कोण कितने का बना, 90 डिग्री का। ये 90 का तो ये भी 90 का होगा। अब लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं इसको, तो ये कितने का है, अगर ये 35 का है तो इसके लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये कोण कितने का बनेगा। आपने कहा सर 180 में से 35 घटाओ तो 145 पाओ, तो 145, यानी आपके सामने कौन कौन से कोण आ गए। अब देखते रहे ना, आपको ये कोण भी प्राप्त हो गया, आपको ये कोण भी प्राप्त हो गया, आपको ये कोण भी प्राप्त हो गया, गुड इवनिंग। अब इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, एक चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज के चारों अंतः कोण हो गए तो 360 होता है। तीन कोण आपके सामने थे, 25 प्लस 90 प्लस 45 इज इक्वल टू व्हाट, 60 80 और 270 270 हो गया ना। एक एक मैं अगर वो कोई भी कोण आपसे पूछेगा, हर एक कोण का वैल्यू आपको निकाल के बता रहा हूं, तो बी अटेंटिव, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, एक मिनट रुकिएगा, 45 50 70 और 90 260, तो 360 में से आपने 260 घटा दिया, यू विल गेट 100, तो ये कोण 100 डिग्री का है। अब जब ये 100 का हो गया तो अंदर वाला तो 80 का हो जाएगा, और आप सभी जानते हैं कि दो अंतः कोणों का योग बाहर वाले कोण के योग के बराबर होता है, तो कितना हुआ, 115, इज इट क्लियर। तो आपको पूछा गया था कि कोण वाई और कोण एक्स और वाई का डिफरेंस बताओ, तो वाई कहां पर है, यहां पर आप देख रहे हैं वाई तो ये रहा, हियर वी गो, और एक्स ये रहा, तो एक्स बराबर कितना है 115 और वाई बराबर कितना है 90, दोनों को सबट्रैक्ट करें तो यू विल गेट 25, तो राइट ऑप्शन इज 25। सवाल बड़ा था, आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते थे, लेकिन बेसिक फंडा क्या है सवाल करने का वो आपको समझ लीजिएगा। जो बेसिक फंडा है वो ये है कि आपको अगर सिर्फ दो प्रॉपर्टी पता है ना कि आप कैसे क्रॉस कर रहे हैं, तो यू विल गेट द आंसर, कुछ भी नहीं करना होगा आपको और आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। पूरा डिटेल में समझ में आ गया, फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन। चलो देखो बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन कह सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आपके सामने लिखा है। एक स्टार पिरामिड आपके सामने बना है और आपको बताना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू व्हाट। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, वो लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। राजपाल जी रिपीट, इसके बाद रिपीट करता हूँ राजपाल जी, डोंट वरी। तो वो आपको लगाना होगा, कैसे लगाना होगा चलिए मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने बताया अगर मैं को ट्रायंगल बनाता हूं और इस ट्रायंगल में इसका मान 80 और इसका मान 25 है, तो ये जो सम्मुख कोण है ना, इसके बाहर वाला जो कोण होगा इन दोनों कोणों के टोटल के बराबर होगा, तो यू विल गेट 105, इज इट क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि
त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख कोण के बाह्य कोण या सम्मुख कोण के लीनियर पेयर कोण के योग के बराबर होता है। इतना सा हम कर सकते हैं, उसी आधार पर इस प्रॉपर्टी को मैं सॉल्व करूंगा। आप देखते रहिएगा, ये सवाल अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात, अदरवाइज मैं बताऊंगा। पेपर टू पेपर वन दोनों में ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या काम किया, मैंने देखा ये ट्राइंगल मैं देख रहा हूं, मेरे पास में कौन सा ट्राइंगल है, मैंने देखा ए, ये वाला और ये वाला, ये ट्राइंगल मैंने देखा। देखते रहना कौन कौन से ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल की। पहले मैं ब्लू लाइन डाल देता हूं जैसे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ओके। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल इस वाले एंगल की बात की, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूं, इस वाले की सी और ई, तो पहले मैं इस ट्राइंगल को ब्लू से दिखा देता हूं जिससे कि आपको सवाल समझ में आ जाए। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ब्लू कलर में, तो मैं इस इन दोनों का सम्मुख कोण ये है, तो इस कोण के बाह्य कोण का जो वैल्यू बनेगा वो इन दोनों का टोटल बनेगा, तो सी प्लस ई। ये एक एंगल अंदर का आपने निकाला। आगे की बात करते हैं, सेम अब मैं थोड़ा रेड कलर में बदलता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ओके। बात करते हैं इस वाले कोण की, अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं, ये वाला जो रेड कलर में बना रहा हूं, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के दोनों कोण अंदर दिए हैं, इन दोनों का कोण का योग इस वाले कोण के बराबर बाह्य के बराबर होगा, बी प्लस डी। बात समझ में आ रही है, अब एक ट्राइंगल बन गया आपके सामने, ये वाला, ये वाला, तो इस कोण के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो मैंने सभी कोण जोड़ दिए, ए प्लस सी प्लस ई प्लस बी प्लस डी, और सभी जानते हैं इन सभी टोटल तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अब इनको बस अरेंज कर लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 180। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द राइट आंसर 180। किसको समझ नहीं आया जल्दी से बताना, कौन मेरा साथी जिसको समझ नहीं आया, मेरे हिसाब से समझ में पक्का आया होगा, बिल्कुल मैंने कलरफुल करके दिखा दिया आपको जिससे आपको चीज क्लियर हो जाए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। क्लियर है, समझ में आया, डन है, मैं डन मानू इसको, ओके ग्रेट, आपने कहा सर डन हो गया है, नाइस वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल इसी तरह के सवाल हैं आपके सामने, एक और सवाल लेता हूं उसको भी देखता हूं आप उसका जवाब क्या देते हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ये रहा सवाल, यहां पर मुझे कहा था डन हो गया, वेरी गुड। तो यहां पर इस सवाल पूछने के दोबारा से कहा था, देखो सिंपल सी थ्योरी समझो, इस सवाल में कुछ नहीं करना था आपको, ये सम्मुख कोण ये क्या थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल थे, जिनको आप कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, या आप कह सकते हैं इन दोनों कोणों को शीर्ष अभिमुख कोण। तो शीर्ष अभिमुख कोण आपको दिए थे, तो 35 का ये, 35 का ये, इसका लीनियर पेयर देखा तो मैंने कितना बना 180 में से 25। अब दो प्रॉपर्टी को याद रखें बस, कि अगर कोई सीधी रेखा पर कोई रेखा डलती है तो ये अगर कोण कुछ भी है, सपोज ये 50 का है, तो फिक्स है इस रेखा पर बने कोणों का 180 होता है, तो यू विल गेट द आंसर। एक बार फिर से रिपीट देखेंगे तो राजपाल जी आपको चीज समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। एक और सवाल चलो देखते हैं, इन द गिवन डायग्राम ए बी इज इन लाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y। दी गई आकृति में ए बी एक रेखा है, तो 2x प्लस 3y का मान बताओ। देखते हैं, सवाल थोड़े से हो सकता है आपको भारी लग रहे हो आज, क्योंकि ज्योमेट्री का सेशन मैंने सीधा अच्छा वाला उठाया है, जो क्वेश्चन आपको थोड़े से आए और थोड़े से आप उन क्वेश्चन को समझें। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, दी गई आकृति में ए बी एक रेखा है, तो 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करें। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। देखो इस सवाल को करने का बड़ा आसान तरीका है, पहले सबसे पहले फोकस करो कि कौन सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। वो आपने बोला ए बी एक रेखा है, यानी सिंपल टर्म में आपको समझ में आया कि जो ए बी है ना ये सीधी रेखा है, तो आपको क्वेश्चन इस तरह से करने, और आपको पता है कि एक बार अपनी ओके नहीं सही दिख रहा है, देखो ऊपर तीन डॉट होंगे, आप उसमें क्वालिटी पर जाइएगा और क्वालिटी को 720 कर लो, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर दिखेगी, ठीक है, उस क्वालिटी को 720 करो, क्योंकि ये HD पर वीडियो चल रहा है, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ओके। तो उस क्वालिटी को आप क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे तो ये आपको साफ दिखेगा। तो ये एक सीधी रेखा थी, अब यानी इस तरफ के कोणों का टोटल कितना होना चाहिए 180, और हार्ड है कोई बात नहीं कविता जी, इस तरफ जब भी तो सीखोगे आप, इस तरफ के टोटल कितना होना चाहिए 180,
यानी 180 इधर 180 इधर। तो मैंने क्या देखा, इधर लिखा था 125 प्लस 5x बराबर 180 होना चाहिए लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, और दूसरा क्या था कि भाई y प्लस 85 प्लस 2x ये भी 180 के बराबर होना चाहिए। तो आपके सामने दो इक्वेशन निकल के आई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाबाश, ऐसी करना कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या देखें, पहली इक्वेशन से लिया, यहां देखा था 125 प्लस 5x इज इक्वल टू 180, तो आपने 5x का वैल्यू फाइंड आउट किया, तो 180 माइनस 125 और x इज इक्वल टू व्हाट, जब आपने 180 में से 25 घटाया तो यू विल गेट 55 और 5 का डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल टू 11, तो आपको x का वैल्यू मिला है 11, इज इट क्लियर। अब आपने इस वाली इक्वेशन को लिया नंबर 2 को, इसमें देखिए y प्लस 85 प्लस 2 गुणा 11, क्योंकि x का वैल्यू 11 था बराबर 180। आपने क्या देखा, आपने देखा y प्लस 85 प्लस 11 दूनी 22 बराबर 180, या आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू 180 माइनस 5 और 2 7, 8 और 2 107, तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 73। तो y का वैल्यू आपको 73 मिला। अब आपके सामने दो वैल्यूज आ गए, x का वैल्यू 11 है और y का वैल्यू 73 है, पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। तो आपने देखा 2 गुणा 11 जमा 3 गुणा 73, तो 11 दूनी 22 प्लस 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, दोनों को जोड़ें तो 22 और 9 41, तो 241, यही सही जवाब था। सवाल देखने में बेशक बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन सवाल इतना बड़ा है नहीं, जब आप बड़े बड़े सवालों को करेंगे तो छोटे वाले तो चुटकियों में हो जाएंगे, ऐसे, इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा है, आसान सवाल था, यू कैन इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन और यू कैन इजीली मैनेज दिस क्वेश्चन, नो इशू, मुझे लगता है कि आप आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं, क्लियर है भाई। तो आगे बढ़ा जाए, एक और सवाल लिया जाए, रेडी हो सब लोग, ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, आप देख के मत डर जाना, फिगर बहुत खतरनाक बनी हुई है, पी क्यू पैरेलल आर टी और क्यू आर पैरेलल यू वी, तो दोनों यानी जो रेखाएं आपके सामने लिखी हुई हैं, पी क्यू ये वाली है और आर टी ये वाली, दोनों पैरेलल हैं, ऐसे ही यू वी क्यू आर के पैरेलल है, यानी ये क्यू आर यू वी के पैरेलल है, तो आपस में चारों रेखाएं पैरेलल हैं, तो आपको यू वी है तो फाइंड ए, ए का वैल्यू बताना। अब इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना, शायद आपको एक बार में सवाल क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखो आकृति से मत डरो, अब आकृति को मैं आसान बनाता हूं, देखते हैं कैसे करते हैं। उसने कहा ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मैं इसको आगे बढ़ा दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे ये भी दोनों पैरेलल थे, मैंने इसको भी आगे बढ़ा दिया ऐसे। जब दोनों पैरेलल हैं तो जो पैरेलल लाइन ये वाला एंगल बनाएगी वही सेम लाइन ये वाला भी एंगल बनाएगी, भाई दोनों पैरेलल हैं तो जो प्रॉपर्टी इसके साथ फॉलो हुई सेम प्रॉपर्टी इसके साथ फॉलो होगी, तो 112 डिग्री का कोण ये बनेगा, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों लाइन ये भी पैरेलल, जिस एंगल से ये निकलेगी उसी एंगल से ये जाएगी क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो 112 डिग्री का कोण ये है। अच्छा पहले आसान, चलो ठीक है, तो मैं कल आसान लेके आता हूं, डोंट वरी, ठीक है कविता, कल बिल्कुल आसान से क्वेश्चन लाऊंगा, डोंट वरी, जिससे कि आप आसानी से समझ लें। तो ये 112 है तो ये, हाँ तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कंसेप्ट कि कौन सी चीज में क्या क्या होती है। तो 112 यहां पर लिखा है, अब आपके सामने आया ये लीनियर पेयर बन गया, एक सीधी रेखा है उस पर एक कोण 112 का है, तो ये वाला कोण कितने का बनेगा, 180 में से घटा दो तो अपने का 68 डिग्री का बनेगा साहब, क्योंकि 68 प्लस 112 इज इक्वल टू कितना होता है 180, तो राइट ऑप्शन डी, समझ में आ गया। ये आपको बेशक खतरनाक लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन है नहीं इतने बड़े, क्लियर है, नो नो नो, हाँ बिल्कुल सही कहा, 68 इज द राइट आंसर, क्लियर। कोई किसी को समस्या सवालों में हो रही तो प्लीज आस्क, घबराने का नहीं, डरने का नहीं, क्वेश्चन आप ही के हैं और क्वेश्चन आप ही के साथ फॉलो होंगे, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ देखता हूं, नया सवाल में आप क्या कहते हैं, ओके ग्रेट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बाद में करूंगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो इफ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज एक्यूट एंगल देन अदर एंगल इज, ये आसान वाले शुरू हो गए, ठीक है आपने आसान कहा था ना तो आसान ले लिए। यदि एक रेखिक जोड़े का एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा, दैट इज एक्यूट एंगल न्यून कोण,
राइट एंगल, सम कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इनमें से अगर इफ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर तो आप जानते ना क्या होता है, अभी मैंने समझाया था आपको लीनियर पेयर क्या होता है, इज एक्यूट एंगल, देन अनदर एंगल इज व्हाट। यदि एक रेखीय के जोड़े का एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा। अब की बार तो आप ऐसा लगा है कुछ उम्मीदें जगी हैं, इस बार लगा कि हाँ इस बार विश्वास जगा है और चीजें समझ में आ रही हैं। वेरी गुड, समझेगा ये एक लीनियर पेयर है ऐसे, इस पर कोई भी रेखा आपने डाली, सपोज ये कोण न्यून कोण, यानी मैंने माना 80 का, क्योंकि न्यून कोण जो एक्यूट एंगल होते हैं उसमें हमेशा एंगल छोटा होता है 90 डिग्री से। अब आप सबको पता अगर 90 डिग्री से छोटा एंगल है ये वाला, सपोज 80 है, तो ये टोटल तो 180 का होता है। तो भाई अगर मैं 180 में से 80 घटाऊं तो आपको 100 मिलेगा जो कि ये वाला होगा। और आप सभी जानते हैं जो कोण 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं उन कोणों को ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण के नाम से जाना जाता है। अब तो आसान है, अब तो समझ में आ रहा है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, चलिए इस बार प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अच्छा लगा, बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके समक्ष रखता हूं और देखता हूं नया सवाल क्या आपके समक्ष आता है और क्या आप उसका आंसर मुझे देने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है लाइन एक्स इज पैरेलल टू वाई एंड ए इज पैरेलल टू बी, देन फाइंड पी क्यू आर एस। रेखा एक्स समांतर है वाई के, ए बी समांतर है बी के, तो पी क्यू आर एस ज्ञात करें। अब देखो यहां पर सामने आपके चार ऑप्शन दिए हैं और ऐसे सवाल टेट में बहुत ज्यादा आते हैं कि P 50, Q 130, R 60, S 120, P 130, Q 50, R 130, S 130, P 50, Q 130, R 50 और S 130, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। सिंपल सवाल है, सिंपलेस्ट इसका आंसर होना चाहिए और आप सिंपल तरीके से इसका मुझे आंसर देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो यहां पर P Q R S चार आप कोण दिए गए हैं और आपको चारों को ही सही करने की कोशिश करनी होगी। ओके लेट्स सी, तो बी ऑप्शन यहां पर दिया है, चलो देख लेते हैं आपका बी ऑप्शन मिला है तो चलो मैं इसको सॉल्व करा देता हूं। मैंने भी कहा था कि जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो जैसे कोण जिस वे में ये कोण बनाएगी उस वे में ये भी कोण बनाएगी, सिंपल रखना। और अगर मैं इसको भूल जाऊं राइट हैंड साइड को वाई वाली लाइन को जो क्यू एस आर लिखे इनको भूल जाऊं तो ये एक लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, यानी ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा, दैट इज शीर्षाभिमुख कोण। और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कितने का होगा, 130 का, तो ये भी 130 का होगा। सेम कोण जब ये वाले बने संगत कोण की प्रॉपर्टी अगर फॉलो कीजिए तो सेम ये बनेंगे, कैसे, यानी 50 का ये, 50 का ये, 130 का ये, 130 का ये। अब क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो जो कोण यहां पर बने ना सेम कोण यहां पर बनेंगे क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं उसी वे में। तो अगर मैं बात करूं पी तो मुझे पता लगा 130। अब देखो ये वाला कोण कितने का, 50 का, तो क्यू कितना हो गया, 50, बहुत अच्छी बात है। आर की बात करते आर कितना हो गया, 130, और बचा एस कितना हो गया, 50। अब आप खुद देख लो इनमें से कौन सा आंसर आपको फॉलो कर रहा है। PQRS कोई फॉलो कर रहा है इनमें से कोई, ये तो फॉलो कर रहे हैं, P 130 सही है, Q 50 भी सही है, लेकिन S जो है 130 दिया जो कि गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, S कभी भी 130, 120 या एक कुछ नहीं हो सकता, वो फिक्स है, वो 50 होगा। इसलिए क्या कह सकते हैं आप, क्या कहेंगे, तो इसका सही जवाब क्या, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही जवाब ये है PQRS तो मिल रहा है आपको, PQR तो मिल रहे हैं लेकिन S नहीं मिल रहा है। इसको आप तरीके से भी समझ सकते थे, इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात, नन ऑफ दीज, बहुत बढ़िया समझ में आया, वेरी गुड। तो एक और सवाल, कमर कसली, एक और सवाल लिया जाए, चलो तो एक सवाल और लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल एम ई डी इज इक्वल टू 25 डिग्री, फाइंड सी डी ई। तो आपको ये वाला कोण जो सी डी ई यानी एक्स लिखा है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है।
ए बी पैरेलल सी डी। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जब भी आप समझेंगे क्वेश्चन को अच्छी तरह से, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे करके, तो ये दो पैरेलल लाइन हो गई जिनको एक तीर्यक रेखा तो ये काट रही है और एक तीर्यक रेखा ये काट रही है ऐसे करके। ये पैरेलल मेरे पास स्केल नहीं है तो सीधा नहीं बन पा रहा है, तो आप समझ लीजिएगा सीधा ही बना हुआ है। तो आपने क्या देखा, जब दो पैरेलल लाइन थी तो ये कोण 100 का बना, और सिर्फ दो ही लाइन पैरेलल है और पैरेलल नहीं है, तो अगर ये 100 का बनता है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये वाला भी तो 100 का ही बनेगा। भाई ये एक लाइन थी, जैसे इसने कोण बनाए वैसे इसने बनाए, तो ये 100 का कोण बन गया। अब आपने क्या देखा, 100 का ये है 25 का ये है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ू इस ट्राइंगल की बात करूं तो एक ट्राइंगल के दोनों कोणों का 125, तो ये वाला कोण कितने का मिला, 180 में से आपने 125 निकाला तो आपको मिला 55 डिग्री। हाँ जी 55 डिग्री मिल गया ना ये वाला। और लीनियर पेयर क्या कहता है, लीनियर पेयर कहता है कि इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, तो 180 में से आपने 55 निकाला तो यू विल गेट 125। या आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 100 का ये 25 का, इन दोनों का टोटल इस कोण के बराबर होगा 125 डिग्री। नहीं, इस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया है कि फिर से बताया जाए, दोबारा समझो। देखो सिंपल सिटी समझना, आपको एक बार में सवाल क्लियर हो जाएगा पूरा। भाई अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं तो सपोज करते हैं ये लाइन पैरेलल थी ऐसे, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं डॉट डॉट में, ठीक है, और इसको भी मैंने आगे बढ़ाया, तो ये दो पैरेलल लाइन को एक तीर्यक रेखा काट के गई, तो ये क्या कहती है, ये कहती है ये भी सपोज पैरेलल लाइन थी ऐसे करके, ऐसे करके। अब देखते रहना, तो अगर ये कोण 100 डिग्री का है तो भाई ये वाला कोण भी, तो भाई ये भी तो रेखा ही थी जो इसको काट के गई थी, तो जो कोण यहां बनेगा संगत कोण से वो यहां बनेगा, तो इस वाले कोण का वैल्यू कितना हुआ, आपने कहा सर इस वाले कोण का वैल्यू हो गया 100, क्योंकि ये भी 100 है, और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल कि ये 25 का है ये 100 का है, इन दोनों कोणों का टोटल का योग हमेशा इस ट्राइंगल के बाह्य कोण के बराबर होगा, तो 100 + 125, 25 = 125, तो ये 125 डिग्री के बराबर होगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समझ में ना आया हो, क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से चैनल को कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब और आगे बढ़ाओ चैनल को। तो अब मैं लूंगा थोड़ी देर बाद इजाजत, तो देखते हैं आप कितने लाइक और शेयर देते हैं। थैंक यू।